दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों IPL 2020 के शुरू होने में भी काफी ज्यादा समय जो है वो बचा हुआ है, जहां पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में। और दोस्तों IPL 2020 को लेकर क्या कुछ बदलाव दिल्ली कैपिटल्स में हो सकता है और किन प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स रिटेन करेगी और किस प्लेयर का वो ट्रेड करेगी, सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर दें और क्रिकेट के इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं IPL 2019 के ऑक्शन से। तो दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2019 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 14 प्लेयर्स को रिटेन किया था और 10 प्लेयर्स को खरीदा था, जिसमें दोस्तों हनुमा विहारी, कीमो पॉल, शर्फेन रदरफोर्ड, कॉलिन इंग्राम, नाथु सिंह और ईशान शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और दोस्तों IPL 2019 में 25 प्लेयर की बेंच स्ट्रेंथ जो थी वो दिल्ली कैपिटल्स के पास मौजूद थी। और दोस्तों IPL 2020 के ऑक्शन से पहले भी दिल्ली कैपिटल्स के पास वही बेंच स्ट्रेंथ मौजूद रहने वाली है। और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में इस समय 7.7 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और IPL 2020 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स जो है वो कुछ खिलाड़ियों को जरूर रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों बात करें इस लिस्ट की, तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है नाथु सिंह का। दोस्तों यूं तो नाथु सिंह को IPL 2020 में ज़्यादा मौके नहीं मिले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से प्लेइंग 11 में, लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के पास कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, ईशान शर्मा जैसे अच्छे फास्ट बॉलर्स की तिकड़ी मौजूद है। और ऐसे में दोस्तों इसके अलावा कीमो पॉल, क्रिस मॉरिस भी तेज गेंदबाजी करते हैं, तो इसी वजह से एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रिलीज करना चाहिए और कोई दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर खरीदना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेडिंग के रूप में भी शर्फेन रदरफोर्ड, जिनको कि दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2019 के ऑक्शन में खरीदा था, उसको मुंबई इंडियंस से मयंक मार्कंडे के साथ में एक्सचेंज किया है। तो दोस्तों केवल ये दो बड़े बदलाव ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम में IPL 2020 के ऑक्शन से पहले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दो बदलावों के अलावा मुझे तो इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आ रही। और दोस्तों जहां पर इस टीम के पास ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन और कॉलिन मुनरो जैसे एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज मौजूद है, तो वहीं ऑलराउंडर्स में इस टीम के पास झड़ी लगी हुई है। और बात करें स्पिनिंग डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों इस टीम में मयंक मार्कंडे को अपनी टीम में शामिल कर लिया है और इसी के साथ अब इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में भी 5 प्रॉपर स्पिनर मौजूद हैं, जो कि मुझे लगता है कि बाकी टीमों से सबसे ज़्यादा हैं। और दोस्तों फास्ट बॉलिंग के तो इनके पास ज़बरदस्त विकल्प मौजूद हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये टीम जो है वो IPL 2019 के प्लेऑफ में भी गई थी, जहाँ पर इस टीम ने एलिमिनेटर खेला था और दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस टीम ने करके दिखाया था और केवल एक कदम से ये टीम जो है वो अपना पहला खिताब जीतने से चूक गई थी। और दोस्तों इसी वजह से इस टीम को ज़्यादा बदलावों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और बदलाव भी इस टीम में होना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।